कर्मचारी संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर ने प्रदेश सरकार से जल्द 3 सूत्रीय मांगे पूरा करने की गुहार लगाई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल का 13वां दिन है और मुझे अत्यंत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को करना पड़ रही है कि 13 दिन के बाद भी शासन प्रशासन मूकबधिरता की टाइप से बिल्कुल। कितने निपटवाई का करना ना है यार, ये तैयारी के कितने निपटवाई दिन में कर कि हम 20 में बात करें हम साहब से, ऐसे हमसे कोई बात नहीं है। नहीं हम अच्छा बात है भैया, हमारे घरे के भैया के सामने पूछ ली बांटवाजी कर रहा ना, ये हम का 2000 डाल आए घरे कर रहा है, 15 ही है 7 हो ही रहा भाई। हम खाना खा के आए, हम बहिरे रहा तो बता जब जब रिजर्वेशन जा रही तो उनका, अब सुनो वो बात छोड़ो, ये करवा दे रहे हैं उसके बाद भैया का अलग से भैया को बुला देना, इनका छोड़ो हम भैया को बुला देना उनका सीट। अभी पाई बतामा के बेचिन कैसन बांधी पेट का है दिखावा ला गाय बेच लिया था अपने से आगे लगा रहा था कब तो जल गया तो पेट का है दिखावा ला है जब गाय बेच एक के पास बहुत नौटंकी है। हां हां 8 दिन साहब गाय हेरन गाय खत्म हां कौने गांव के है जा कौने गांव के है बैठी हो गया। अरे मरी लहे भी नहाए तो चली ना नहाई, हम हूं नहीं अब ही ना गए जल्दी जल्दी नहाए नहाए खाए। मोबाइल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, चक्कर क्या है पूरा मामला? एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ 2-3 लोग उसमें बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें एक आरक्षक सिविल ड्रेस में है वीरेन शुक्ला, और जिसमें ये भी आरोप लगे हैं और वीडियो में भी कहीं कहीं ये दिख रहा है कि कुछ पैसे के लेन देन की बात हो रही है, और एक जगह पे पैसे लेने का अस्पष्ट रूप से वो भी दिखा है, और जिसके आधार पर इसमें हमने जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत इसमें हमने आरक्षक को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ इसमें जाँच खड़ी की गई है। इसके साथ साथ थाना प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है क्योंकि 2 मामले थाना मऊगंज से आए हैं और इस वजह से इनके खिलाफ भी जांच की जा रही है कि उचित पर्यवेक्षण के अभाव की वजह से इनके खिलाफ भी जांच इसमें की जा रही है। और भी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, कुछ मामले आते हैं निश्चित रूप से कहीं पे भी इस तरह का लेन देन का या कोई भी शिकायत आती है उसकी जाँच की जाएगी, या कहीं पर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो उसमें उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी, और किसी प्रकार से करप्शन को पुलिस डिपार्टमेंट टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस टाइप से बंद हुआ है कि उसको कोई पता नहीं चल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।